यस अब बच्चों हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पोलिनोमिल्स के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यूबिक पोलिनोम्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक क्या होते हैं और लीनियर पोलिनोमल्स के बारे में हमने बात की अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स क्या होते हैं जैसे मान लीजिए कई बार आप देखते हैं आ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं जो आपको सॉल्व करनी होती हैं जैसे मान लीजिए लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है जैसे एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू फाइव एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इजिकल्स टू सिक्स अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं वी हैव टू सी देर आर टू वेरिएबल्स एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई है और टू वेरिएबल्स की एक ये इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन इट मीन्स ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये एक पेयर है जिसमें लीनियर इक्वेशन्स के दो वेरिएबल्स जो है आ, मिल रहे हैं और ये दो इक्वेशन मिलकर एक पेयर बना रही हैं तो इस तरह के पेयर्स आपको मिल जाते हैं जो जनरल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस चैप्टर में आएंगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा तो चलिए आगे देखते हैं यू हैव टू गो नेक्स्ट वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेश्स की पेयर्स कैसे होते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री एक तरह का एग्ज़ाम्पल दिया गया है अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि बॉथ ए एंड बी आर नॉट ज़ीरोनि ए और बी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता है या तो हो सकता है ए ज़ीरो हो और या हो सकता है बी ज़ीरो हो ठीक है बट एट द सेम टाइम ए एंड बी बॉथ नॉर्थ बी इक्वल टू ज़ीरो क्या मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि किसी भी लिनियर इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो उसमें एक्स वाई दो जो है वेरिएबल्स रहेंगे एक x रहेगा एक y रहेगा और ये मिलकर एक पेयर बनाती हैं एक इक्वेशन की पेयर बनाती हैं जिसमें a जो है कॉफिशियट ऑफ x, जो कि a कॉफिशियट ऑफ x है और b कॉफिशेंट ऑफ y है तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा या हो सकता है दोनों ही जीरो ना हो लेकिन दोनों एक साथ जीरो जो है आ, नहीं हो सकते हैं दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए ये इस तरह की एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ए एन बी बॉथ नॉट इक्वल्स टू जीरो ए और बी यानी एक्स का कॉपिशंट और वाई का कॉपिशियंट दोनों एक साथ जीरो, जीरो नहीं हो सकता है अलग अलग जीरो हो सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए आगे देखते हैं एवरी सोल्यूशन ऑफ एक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पर तो ग्राफ पर उस लाइन पर जैसे मान लीजिए ग्राफ है ये लाइन है ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन सपोज एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू वन की एक लाइन है ये सपोज कर रहे हैं तो इस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये एक्स प्लस वाई इजिक्वल्स टू वन का सोल्यूशन होंगे देर आर इन्फाइनाइट पॉइंट्स ऑन दैट लाइन इस लाइन पर इन्फाइनाइट जो है पॉइंट्स होंगे तो इससे हम एक और बात ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने x प्लस वाई जिक्वल्स टू वन लिया है तो इसके सोल्यूशन हम देखते हैं इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे इज इट इट चलिए आगे चलते हैं ईट सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेबल्स ए एक्स बी वाई प्लस सीवल्स टू जीरो करिस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है तो उस लाइन पर जो है अगर वो उसका सोल्यूशन है तो उस लाइन पर लाई करेगा किस लाइन पर जो इस लाइन जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये एक लाइन है और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे सोल्यूशन होंगे किसके इस इक्वेशन के ठीक है और इसका उल्टा भी होता है कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे वो इसका सोल्यूशन होंगे और जितने भी सोल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे वो इस लाइन पर लाई करेंगे ये जो बातें हैं ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है एक दूसरे के विपरीत हैं एक दूसरे के वाइस वर्षा हैं आगे चलते हैं इन द सेम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द टू लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशन लाइक दीज आर कार्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को कहा जाता है जो एक्स और वाई वेरिएबल में हो और एक पेयर बनाती हूँ एक जोड़ा बनाती हूँ ठीक है उनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चलिए आगे चलते हैं ये एक जनरल फॉर्म दी गई है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल्स टू जीरो ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल्स टू जीरो दिस इज द जनरल फॉर्म ठीक है जिससे आप और इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे जब आपको ई वन ए टू सी वन सी टू या ए इनके कॉफिशेंट चाहिए होंगे तब आप इस जनरल फॉर्म से बाकी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे चलते हैं आगे यहाँ पर क्लास नाइन्थ में कुछ बातें हैं जो अभी हम देखेंगे इसमें भी आपको दिया गया है तीन तरह की लाइंस होती हैं एक जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरी जो पैरल जा रही हैं दूसरी कॉन्साइड कर रही हैं यानी एक दूसरे के ऊपर जो है लाई कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं पैरल जा रही हैं और कॉन्साइड कर रही हैं तीन केसेस हो सकते हैं जब हम लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे ठीक है तो आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है उसकी जो इक्वेशन बनती है फर्स्ट इक्वेशन ये है सेकेंड इक्वेशन ये है ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पर ये बन जाएगी सेकेंड ये बन जाएगी क्योंकि सेकेंड को हम फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं अब क्या करना है इसका सोल्यूशन निकालना है यानी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर नहीं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स इनफ होते हैं अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन को लाइन पर या ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि दो इक्वेशन है एक्स और वाई क्या है दो दो पॉइंट्स हमने ले लिए हैं अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं ये यह देखिए यहाँ पर ठीक है दोनों इक्वेशन का ग्राफ आ गया ये x माइनस टू वाई इजिक्वल्स टू जीरो का ग्राफ आ गया और ये थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल्स टू ट्वेंटी आ, का ग्राफ आ गया अब ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे सपोज द पॉइंट इज Q Q पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो पॉइंट Q होगा इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा यानी जिस भी पॉइंट पर ये जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या होगा इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सल्यूशन होगा तो ये आपको ध्यान रखना है अगर दो इक्वेशंस दी गई हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा उन दोनों का सॉल्यूशन होगा इज इंट इट चलिए आगे चलते हैं सोनाली न्यू वराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड सी ऑल्सो बॉट फोर पेंसिल्स एंड सिक्स इरेजर सेम का रिप्रजेंट सिचुएशन इन एलजेब्रिकली और ग्राफिकली पहले आपको एलजेब्रिकली यानी इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है फिर ग्राफिकली यानी ग्राफ को बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू पेंसिल्स सपोज पेंसिल्स हैव एक्स रुपीज़ एंड इरेजर्स हैव वाई रुपीज़ तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्स टू नाइन एंड फोर एक्स प्लस सिक्स वाईज इक्व टू एटीन ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है ग्राफ uh, पर करना है टेबल हमने बना ली यहाँ पर ये देखिए टेबल बन गई अब इसको ग्राफ पर जैसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे यू रिप्रेजेंट टू इक्वेशंस यू विल सी दैट दौथ इक्वेशन आर कॉन्साइड्स दोनों की जो लाइन बनेगी वो कॉन्साइड कर रही है यानी एक के ऊपर है संपाति है इसको हिंदी में कहते हैं अब सम्पाती है तो कितने सोल्यूशंस होंगे इट मीन्स दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस वी प्लॉट दीज पॉइंट्स इन ए ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ लाइन्स वी फाइंड दैट बॉथ लाइन्स कॉन्साइड जैसे ही दोनों इक्वेशन को हम हमने यहाँ पर प्लॉट किया हम क्या देखते हैं कि दोनों लाइन क्या करती हैं कॉन्साइड करती हैं बिकॉज बॉथ इक्वेशंस आर इक्वेलेंट वन वन कैन बी डिराइव फ्राम अदर जब दोनों इक्वेशन इक्वेलेंट हो तो उस सिचुएशन में दोनों लाइन्स एक दूसरे पर कॉन्साइड करती हैं और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन्स जो है वो होते हैं ठीक है तो ये जो है हमने सेकेंड केस देखा पहले हमने इंटरसेक्टिंग देखा और दूसरा हमने कॉन्साइडेंस का देखा अगला चलते हैं टू रेल्स रिप्रेजेंट द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट सिचुएशन जियोमेट्रिकली यानी आपको ग्राफ पर दिखाना है पहले uh, इस इक्वेशन का जो है टेबल बना लीजिए अब uh, आप में से कोई पूछ सकता है कि uh, सर टेबल कैसे बनाते हैं टेबल में सिंपल सी बात है कोई भी आप दो सोल्यूशन ले सकते हैं पहले x को जीरो रखिए जैसे ही एक्स को जीरो रखेंगे वाई हमारे पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा तो एक्स जीरो वाई टू ठीक है सिमिलरली जैसे ही आप वाई को ज़ीरो रखेंगे यहाँ वाई को ज़ीरो रखेंगे तो एक्स हमारे पास फोर आ जाएगा तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं ठीक है इसी तरह इक्वेशन टू की भी टेबल बन जाएगी आगे जब इन दोनों को हम लंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बॉथ द लाइन्स आर पैरल दोनों लाइन्स क्या हैं पैरेल हैं और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही इसका क्या मतलब है कि द पॉइंट्स द इक्वेशन हाव ड अ कॉमन सोल्यूशन उन इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर हम तीन केसेस देखा हमने एक इंटरसेक्टिंग का देखा एक कॉन्साइडेंस का देखा और तीसरा देखा पैरल का जब लाइन्स पैरल होती हैं तो उस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है ठीक है तो ये तीन केसेस आपको ध्यान रखने हैं चलिए एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन की बात करते हैं इसमें से किसी भी एक एग्जाम्पल की हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं टू के जी ऑफ एप्पल्स वन के जी ऑफ ग्रेप्स आर वी वन सिक्सटी आफ्टर मंथ कॉस्ट फोर के जी ऑफ एप्पल टू के जी ऑफ ग्रेप्स थ्री हंड्रेड रिप्रजेंट सिचुएशन एलिजिकली एंड जियोमेट्रिकली टू के जी सपोज एप्पल्स हाफ एक्स रुपीज एंड ग्रेप्स हाफ वाई रुपीज ठीक है तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू वन सिक्सटी फोर एक्स प्लस टू वाई इजिकल्स टू थ्री हंड्रेड फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये हो गया ज्योमेट्रिकली ये सॉरी uh, माफ़ कीजिएगा इसको एल कहेंगे एल जेब्रिकली ठीक है अब दूसरी बात क्या है कि इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे तो आप ग्राफ पर इसको प्लॉट करिए मैं टेबल बना देता हूँ जब हम एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा वन सिक्सटी आ जाएगा जब वाई को ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा तो ये x और y का जो है आप यहाँ से ले सकते हैं इसको लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमिलरली आप इस लाइन के लिए भी टेबल बना सकते हैं और टेबल बनाने के बाद ईजिली आप उसको ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू तो ये हमने देखा कि एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में एंड दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो थैंक यू